हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये क्लास 12 मैथ्स का पहला टॉपिक है और इस टॉपिक को हमने दो चैप्टर्स में बांट रखा है। मैट्रिक्स को हम अलग पढ़ते हैं और डिटरमिनेंट्स को हम अलग पढ़ते हैं, ऐसे कह सकते हो। इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, पहला मैट्रिक्स और दूसरा डिटरमिनेंट्स। सो हम बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली mn नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस जिसे हम कॉलम कहते हैं। सो इस चीज को हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम रोस कहते हैं एंड n वर्टिकल लाइंस जिसे हम कॉलम कहते हैं इस कॉल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। सो देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन सो मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। और किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें उसका ऑर्डर डिफाइन करना होगा। ऑर्डर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जितनी रोज है क्रॉस कॉलम्स। और मैट्रिक्स है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स है वो इंक्लोज होते हैं, या तो ऐसे ब्रैकेट बना के इसके बीच में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स इनके बीच में, या ऐसे बना के इनके बीच में, या दो पैरेलल लाइंस इनके बीच में लिखे जाते हैं। सो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है, वो तो देख ले। सो एक बार मैं ये डेफिनेशन रहने देता हूँ और मैट्रिक्स की शक्ल दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैट्रिक्स दिखता कैसे, दिखने में है क्या मैट्रिक्स। तो हमने बात की थी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हम मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करें, वो जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और मैट्रिक्स इस तरह से दिखता है जिसमें m तो हमारे पास रोज होती है और n हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में हमारे पास m रोज होती है, n कॉलम्स होते हैं और जो इनके बीच में सब लिखे हैं ना a11 a12 ये सब जो लिखे हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर हमें बार बार इतना ही बड़ा बनाना पड़े तो बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो मैट्रिक्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, aij m क्रॉस m। हमने बोला था मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना जरूरी होता है, तो इसका ऑर्डर इधर लिखा जाता है नीचे। ठीक है, अब आप बोलोगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें ए आई जे हमारे पास क्या होगा, जिसमें ए आई जे हमारे पास क्या होगा, इसमें जो हमारे पास ए आई जे होगा वो होगा एलिमेंट
ऑफ आई एट रो एंड जे एट कॉलम। सो ए आई जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आई एट रो एंड जे एट कॉलम। मान लो हमारे पास लिखा हुआ ए वन वन, सो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास लिखा हुआ मान लो ए थ्री टू, सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एलिमेंट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब आप बोलोगे सर मैट्रिक्स के बारे में कुछ और अच्छी बातें बताओ हम लोगों को, तो हम एक दो और अच्छी बातें देख लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। सो कुछ और अच्छी बातें देखते हैं। सबसे पहले अच्छी बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn, m मल्टीप्लाई n। दूसरी अच्छी बात ये हमने पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n, इसे हम क्रॉस बोलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस। तीसरी अच्छी बात देख लेते हैं, जैसे हम डिटरमिनेंट्स पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि डिटरमिनेंट्स की एक फिक्स वैल्यू होती है, बट मैट्रिक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, ये सिंपल अरेंजमेंट है फंक्शंस ऑफ नंबर्स का। सो मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। It does not have definite value. Matrix arrangement है numbers of function का, उसकी कोई definite value नहीं होती है। अब जो matrix के element होंगे वो क्या जरूरी है कि हमेशा scalar हो, नहीं, matrix के element scalar भी हो सकते हैं और vector भी हो सकते हैं, तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। Elements of vector, elements of matrix may be scalar or may be vector quantity. So, matrix के बारे में हमने लगभग basic पूरी बातें पढ़ ली हैं। So, अब इस पे हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इजी से, एकदम आसान से। और आप इन सब चीजों को नोट करिए, जो आपके हाथ से बने हुए नोट होते हैं, नोट्स होते हैं ना, वही आपके सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं। सो एक क्वेश्चन लिखिए आप, कंस्ट्रक्ट एक 2x3 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे 2x3, जहां पे वेयर ए आई जे इज 2i-2j। सो हमें इक्वेशन दे रखा है और हमें इसका ऑर्डर दे रखा है। सो 2 हमें क्या बताता है और 3 हमें क्या बताता है, 2 हमें बताता है कि दो रोज है, थ्री हमें बताता है कि हमारे पास थ्री कॉलम्स है। सो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिए, आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। सो मैट्रिक्स हमारे पास 2x3 की है, सो हमारे पास दो रोज है और 3 कॉलम है। सो a11 a12 a13 a21 a22 a23। अब हमें इन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है। सो हम a11 को कैलकुलेट करते हैं पहले, a11 a12 a13 a14 a15 और a16।
सो a11 2 into 1 - 2 into 1 जीरो जीरो 2 into 1 - 2 into 2 - 2 - 4 - 2 2 into 1 - 2 into 3 - 2 - 6 - 4 सॉरी फ्लो फ्लो में हो गया था ठीक है 2 into 2 - 2 into 1 - 2 - 2 2 into 2 - 2 - 0 और 2 into 2 - 2 into 3 - 6 - 2 सो ए 21 के लिए हमारे पास 2 आई इसकी 0 आई और इसकी -2 आई सो आप ऐसे ही खूब सारे सवाल बना के खेल सकते हैं अपने हिसाब से आप अपना ऑर्डर फिक्स कीजिए 3 × 4 = 4 - 5 - 4 + 5 = 5 - 2 कुछ भी अपने हिसाब से इक्वेशन बनाइए और क्वेश्चंस के साथ खेलते रहिए सॉरी एक ठीक क्वेश्चन करते हैं मतलब जो बेसिक पढ़ा है उसी पर एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं Find the possible orders of matrix. Pehla total number of elements 10 दे रखे और दूसरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दे रखे हैं सो आपको पहले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 दे रखे हैं दूसरे में 8 दे रखे हैं आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है मैट्रिक्स के सो हमने पर देखा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं mn बराबर 10 सो m और n और हमारे पास m क्रॉस n क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है सो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या-क्या हो सकते हैं 10 into 10 क्रॉस 1 दूसरा 1 × 10 तीसरा 2 × 5 और 5 × 2 ये चार ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दे रखे हैं मींस mn की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है हमें m क्रॉस n के पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं तो इसके क्या क्या हो सकते हैं 8 × 1 1 × 8 4 × 2 और 2 × 4 सो इसमें भी चार पॉसिबल ऑर्डर्स है मैट्रिक्स के और इसमें भी चार पॉसिबल ऑर्डर्स है मैट्रिक्स के सो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की सो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स So, पहली मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स सो मैट्रिक्स हैविंग 1 रो and any number of columns ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए जिसमें एक ही रो हो कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 × 4 So, और एक बात लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा ऑर्डर ऑफ
रो मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास वन क्रॉस एन, जहां पर एन है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हो, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसी के जैसा है कॉलम मैट्रिक्स, आपको नाम से पता चल गया होगा कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हो, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका एक एग्जाम्पल 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। सो इसे देखते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बता सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बता सकते हैं m क्रॉस 1। सो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बता सकते हैं m क्रॉस 1। तीसरी तरह की मैट्रिक्स है हमारे पास रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ ली। तीसरी तरह की हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल है। सो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। सो आगे हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी m क्रॉस n वाली मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इट इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो, उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। आगे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो। सो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें दो रो है और तीन कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है, सो ये एक तरह की हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुई। आगे हम बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की। जस्ट अपोजिट टू इट ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए, ये 3x2 की मैट्रिक्स है, इसमें तीन रो है दो कॉलम है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, सो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हुई। सो आगे हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो मान लो आपस को स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। सो इससे हमें एक बात पता चलती है कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो या तो m x m होगा या n x n होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ और अच्छी बातें कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, या तो होगा m² या होगा n² 2x2 4 एलिमेंट्स है, 2x2 4 एलिमेंट्स है, या तो m² होगा या फिर n² होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्लासिफाई हो रखी है अपने पास किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की।
सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, ए मैट्रिक्स हूज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो, नॉन जीरो, वो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, जीरो हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। कैसे, मान लो हम 3x3 की मैट्रिक्स ले, सो ए बी सी और डायगोनल एलिमेंट्स है वो अपने पास क्या हो, नॉन जीरो, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, जीरो हो। और एक टर्म डिफाइन करते हैं, लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, लाइन जॉइनिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लाइन जॉइनिंग डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। सो लाइन जॉइनिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लाइन जॉइनिंग डायगनल जॉइनिंग डायगनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड लीडिंग डायगनल, उसे हम कहते हैं लीडिंग डायगनल। अब डायगनल एलिमेंट्स में कितने जीरो होंगे, सो ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स थी और इसमें 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स थे और 6 जीरो एलिमेंट्स थे, तो जीरो के कितने एलिमेंट्स थे, 6 और नॉन जीरो के 3, सो टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, जहां पे एन क्या है, जहां पे एन है अपना ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे एन अपना क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आगे बढ़ते हार दे तुम, सो आगे हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। सो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसका हर डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो। सो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स having same diagonal element, square diagonal matrix जिसमें same diagonal element हो, example ये square matrix भी है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सो स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होती है और ऐसी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसका हर डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की।
यूनिट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ स्केलर डायगनल स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑल डायगनल एलिमेंट यूनिटी, जिसका हर डायगनल एलिमेंट अगर यूनिटी है, मतलब वन है, यूनिटी मतलब वन है, सो ऐसी स्केलर डायगनल स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल ये 2x2 की एक स्क्वायर डायगनल मैट्रिक्स है और इसका जो डायगनल एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, सो ये एक तरह की यूनिट मैट्रिक्स भी हुई। आगे हम चलते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। आगे हम बात करते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इधर हम बात करते हैं अपर की और इधर हम बात करते हैं लोअर की। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब डायगनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो, मतलब इस साइड वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो। ये याद करने का सिर्फ फंडा है। इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू जीरो हो, कब, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, हर आई जो ए आई जे की वैल्यू है अगर वो जीरो आए तो हम उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केस में ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, सो एवरी एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। इसका मतलब डायगनल एलिमेंट्स के इस तरफ वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है इट्स ऑल एलिमेंट ए आई जी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका हर ए आई जे एलिमेंट जीरो हो फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आएगी जो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास मान लो कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है, हमारे पास मान लो कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है, ए का ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है और b का ऑर्डर हमारे पास x क्रॉस y है, सो इन दो मैट्रिक्स हम इक्वल कब बोल पाएंगे। पहला, इसकी दो कंडीशंस है कि इनके जो रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स है वो क्या हो, सेम हो, रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स क्या हो इनके, सेम हो, मींस m क्रॉस n है वो इक्वल हो x क्रॉस y के, मींस m की वैल्यू है वो x के इक्वल हो, n की वैल्यू है वो y के इक्वल हो। और दूसरा केस, देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ए आई जे का प्रत्येक एलिमेंट बी आई जे के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। दैट इज मैं कहना चाहता हूं कि ए वन वन
है वो बी वन वन के बराबर होना चाहिए, ए टू वन वो बी टू वन के बराबर होना चाहिए, एंड सो ऑन। और बाकी जो एलिमेंट्स है वो उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे हम। मान लो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए 2x प्लस 4 3y स्क्वायर माइनस 5 0 और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 3 माइनस 2। सो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो हमने क्या बात की थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए किसी भी दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए, तो हमारे पास इनका ऑर्डर क्या है, सेम है 2 क्रॉस 2। अब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो हमारे पास 2x प्लस 4 हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए और 3y है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। सो 2x प्लस 4 1 होना चाहिए, तो 2x बराबर माइनस 3, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3/2 और 3y की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमें ये एलिमेंट भी बराबर करना है, हम चेक कर लेंगे y बराबर 1 पे ये एलिमेंट इक्वल है या नहीं। सो y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सो y 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया, सो 3 बराबर 3 मतलब ये भी हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल प्रूव हो गए। सो x की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3/2 और y की वैल्यू हमारे पास 1। सो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। थैंक यू वेरी मच।